अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने गार्डन सेटअप किया है और इसका एरिया बहुत छोटा है गार्डन का, तकरीबन 10x11 फिट है। और आप ये देख रहे हैं कि 10x11 फिट में से ये 3 फिट तो जो है फिश पॉन्ड के लिए छोड़ दिया है। अब शाल लगाई हुई है यहाँ पर और यहाँ पर फिशेज रखी हुई है। बाकी का जो एरिया है 7 फिट का, वो उस पर ग्रास लगाई हुई है और कुछ प्लांट्स लगाए हुए। अभी ये गार्डन इस्टेब्लिश हुए हुए तकरीबन 1 मंथ हुआ है और सारे प्लांट्स अभी तकरीबन 1 मंथ तक पुराने हैं। इसमें मैं 1x1 इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। ये प्लांट है, पैनीवर्ट नाम है इसका, और ये लोकल जो मार्केट में है आपको नर्सरी पे, इसको पेप्सी प्लांट भी कहते हैं। ये एक तरह से हर्ब है और इस तरह से इसका लुक है, खूबसूरत है काफ़ी। ये मुझे पड़ी थी तकरीबन 100 रुपये की, 150 रुपये की थी, और इसके साथ ये सिर्फ पॉट के बगैर 150 की थी। इसके बाद इसका ये जो पॉट है ये तकरीबन 100-150 का आपको मार्केट से मिल जाएगा। फिर ये है एलिफेंट बुश। एलिफेंट बुश के पत्ते बहुत ही प्यारे हैं, खूबसूरत से। और ये मैंने 2 प्लांट्स लिए थे, 100-100 रुपये के लिए थे, और दोनों को इसमें इस तरह से मैंने लगाया था। तो ये काफ़ी ख़ूबसूरत लुक आ रही है गार्डन में इसकी। इसके बाद जो है ये अमेरिकन पाम है। अमेरिकन पाम तकरीबन आपको इसका मिल जाएगा 2-2.5 हज़ार रुपये का, और इसका स्टेम काफ़ी मोटा है। ये है इंच प्लांट। इंच प्लांट के अलावा इसको स्पाइडर रॉड भी कहते हैं। इसका एक पर्पल कलर आता है और एक ग्रीन कलर के अंदर डिफरेंट शेड्स होते हैं, 2 कलर आते हैं इसके अंदर। ये भी आपको 100-150 का मिल जाएगा। ये धूप में, इसको फुल धूप चाहिए होती है इस प्लांट को, और इसकी जो सॉइल है ये वेट होनी चाहिए हल्की सी। ज़्यादा वेट होगी तो ये जल जाएगा, बैलेंस रखना पड़ेगा आपको।